कैसे होंगे किसान भाइयों, आप सभी बढ़िया में होंगे। ये देखिए, अनार के वाटर शूट कंट्रोल हो चुकी है, उस पे फ्रूट आना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं छोटे फल, ये देखिए एक साथ तीन फल आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ऊपर ही, ये टॉपिंग किया था इसलिए यहाँ पे फ्रूट आए हैं। और पास में देखिए, टॉपिंग नहीं किया था उस पे फ्रूट नहीं आए, वाटर शूट आगे ही जा रही है। ये देखिए, ऐसे करके आप कटिंग कर दीजिए, टॉपिंग कर दीजिए वाटर शूट को, बाद में देखिए यहाँ पे फ्रूट आएंगे आएंगे ही। ये अभी कच्ची कच्ची है शाखा, जब ये अच्छी तरह पक जाएगी बाद में आप देख सकते हैं इस पे भी फ्रूट आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, छोटी बड़ी सभी शाखा पर आप फ्रूट देख सकते हैं। लाजवाब फूल में से फल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये देखिए बहुत बढ़िया सेटिंग है फ्रूट का। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए फूल में से फल की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसका मतलब तो अभी तो खाद शुरू करना पड़ेगा। 052-34 बेसन वाली खाद चलाएंगे हम, बेसन, गौमूत्र, गाय का गोबर सब मिक्स करके 7 दिन के बाद हम ड्रिप इरिगेशन में चलाएंगे। अभी तो 052-34 का चलाएंगे, एकड़ के 4 किलो हिसाब से, तभी ये वाटर शूट कंट्रोल होगी। ये देख, आप देख सकते हैं ये वाटर शूट को कंट्रोल करने के लिए 052-34 चलाइए, और फ्रूट निकलने पे भी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है उसका। ये देखिए, ये भी देखिए बहुत बढ़िया। चैनल पर नया तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए।